सिर दर्द कई वजह से हो सकता है, लेकिन माइग्रेन से होने वाली सर दर्द असहनीय होता है। ध्वनि एवं प्रकाश से परेशानी, उल्टियाँ और सिर के केंद्र में होने वाला दर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं। माइग्रेन एक प्रकार का न्यूरोवैस्कुलर विकार है जिसमें सिर में रुक रुक कर दर्द होता है। ऐसा माना जाता है कि माइग्रेन के समय दिमाग में रक्त का संचार बढ़ जाता है जिससे व्यक्ति को तेज सिर दर्द होने लगता है। माइग्रेन से होने वाले दर्द की रोकथाम के लिए कुछ घरेलू नुस्खे निम्न हैं। ध्यान सिर को दूर करने में काफ़ी कारगर होता है। माइग्रेन के इलाज के लिए ध्यान करना सबसे अच्छा तरीका होगा। धीरे धीरे ध्यान की आदत से माइग्रेन जड़ से खत्म हो जाएगा। इसकी कुछ बूंदें जीभ पर रखने और कुछ अपने सिर पर लगाकर मालिश करने से आराम मिलता है। इस तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सिर दर्द में आपको राहत दे सकते हैं। सिर दर्द में बाम को प्रयोग में लाएं। सिर पर बाम की हल्की मसाज देने पर रक्त संचार सामान्य हो जाता है तथा माइग्रेन से आराम मिलता है। कैफीन युक्त पदार्थ जैसे चाय या कॉफ़ी पीने से भी माइग्रेन में राहत मिलती है। बर्फ के टुकड़े एक पैक में लेकर सिर दर्द की जगह पर रखें। बर्फ में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जिससे सिर का दर्द ठीक हो सकता है। आप चाहें तो किसी और ठंडी चीज़ का पैक भी बना सकते हैं। विटामिन बी की कमी से मस्तिष्क में एक विकार आता है जो माइग्रेन का मुख्य कारण होता है। माइग्रेन से बचने के लिए अपने भोजन में विटामिन बी युक्त पदार्थ शामिल करें। हर रोज दिन में दो बार गाय के देसी घी की दो दो बूंदें नाक में डालने से माइग्रेन के दर्द में आराम मिलता है। अक्सर तेज़ रोशनी से सिर का दर्द बढ़ जाता है, इस कारण अंधेरे और शांत कमरे में बैठने से भी माइग्रेन ठीक होता है। योग से माइग्रेन को काफ़ी आराम मिल सकता है। योग के कुछ आसन हैं जिन्हें करने से ये रोग जड़ से खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।